नमस्कार दोस्तों, नए साल की मस्ती कश्मीर में स्टार्ट हो चुकी है। आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे पहलगाम के हमारे एक होटल की ज़बरदस्त प्री न्यू ईयर की नाइट। और यदि आप इसी तरह का एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ट्रैवल कंपनी का एक टूर पैकेज का लिंक दे दिया है। जाइए, क्लिक करिए, उस वीडियो को देखिए और पूरा देखने के बाद उस टूर पैकेज को आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके बुक करवा लीजिए, क्योंकि यही राइट टाइम है। कश्मीर में जनवरी में सबसे ज़बरदस्त स्नोफॉल पड़ती है और ये कंटिन्यूटी में आपकी बनी रहेगी फेब और मार्च और अप्रैल के अंदर भी। यदि आप लोग कश्मीर को विजिट करने के बारे में लंबे समय से सोच रहे हैं तो यही राइट टाइम है जब आप लोग जा सकते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को आगाह करना चाहूँगा, जो लोग खुद ड्राइव करके कश्मीर जाने का प्लान बना रहे हैं वो छोड़ दें, आप लोग वाया फ्लाइट जाएँ, क्योंकि स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है, इस किट का वहाँ पर चांसेस बन जाते हैं। आप लोग अपनी गाड़ी लेकर के ना जाएं, लेकिन अगर आपके पास 4x4 है तो आप चांस को ले सकते हैं। जल्दी से जल्दी अपने टूर पैकेज को आप बुक करवा लीजिए और हो करके आइए धरती के स्वर्ग कश्मीर। और यदि आप हमारी ट्रैवल कंपनी से संपर्क करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक भी दे दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया है। जाइए, कॉल करिए, पैकेज बुक करवाइए और नए साल के साथ साथ आगे 2023 के अंदर फुल मस्ती के लिए बने रहिए YT भारत पर। नमस्कार दोस्तों, YT भारत पर आज आपके लिए कश्मीर 5 नाइट 6 डेज का विद बेस्ट रेट्स और बेस्ट होटल्स के साथ आपके लिए एक ऐसा टूर पैकेज लेकर के आ गया हूं जिसको आप लिए बिना नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, इस टूर पैकेज के अंदर आपको 2 नाइट के लिए श्रीनगर इन होटल रुकवाया जाएगा, 1 नाइट के लिए गुलमर्ग के होटल में, 1 नाइट पहलगाम और 1 नाइट वापस जब आप आएंगे तो श्रीनगर की हाउस बोट यानी कि जो डल लेक में हाउस बोट होती है उसके अंदर आपको स्टे मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग एकोमोडेशन के बारे में। इस कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है इस पूरे टूर पैकेज को, स्टैंडर्ड, डिलक्स, सुपर डिलक्स, प्रीमियम और लग्जरी। यहाँ पर आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड पैकेज लेते हैं तो आपको होटल बुर्ज, ऋषि हेरिटेज, लजीज होटल, स्टार ऑफ कश्मीर, सैजार विला, सिटी ग्रेस या इससे सिमिलर रुकवाया जाएगा श्रीनगर के अंदर। यदि आप गुलमर्ग पिकअप करते हैं तो होटल पोशवान, गुलमर्ग सहारा या इससे सिमिलर, पहलगाम में शबाना पैलेस, इंडिया पैलेस, चिनार पैलेस, आइसबर्ग रिजॉर्ट, रॉयल कास्ट या इससे सिमिलर रुकवाया जाएगा। और श्रीनगर की हाउस बोट होने वाली है स्टैंडर्ड हाउस बोट। दोस्तों, आगे आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लीजिए। डिलक्स के अंदर ये ऑप्शन है, सुपर डिलक्स में ये दिए गए हैं, प्रीमियम में ये और लग्जरी में ये जो रो है वो आपकी दी गई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पैकेज के कॉस्ट के बारे में। यदि आप स्टैंडर्ड पैकेज लेते हैं तो 36,000 रुपीज़ फॉर 2 पर्सन के लिए आपको कॉस्ट देनी होगी। 4 लोगों के लिए 60,000 रुपये और 6 लोग हैं तो आपको 82,000 रुपीज़ 6 लोगों की कॉस्ट देनी होगी। अगर आप डिलक्स, सुपर डिलक्स, प्रीमियम और लग्जरी के अंदर जाते हैं तो आपकी पैकेज की कॉस्ट उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती चली जाएगी। अब दोस्तों, आ जाते हैं हम लोग डिटेल्ड आइटनरी पर। डिटेल्ड आइटनरी को बताने से पहले आपका सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल का जवाब, यदि इस टूर पैकेज को आप बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में मैंने ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है। GST रजिस्टर्ड ये कंपनी, ये फर्म है जो आपकी दिल्ली NCR में इस्टेब्लिश है और कई सालों से कश्मीर के टूर पैकेज को सेल कर रही है। इस टूर पैकेज को आप पूरे भरोसे के साथ ले सकते हैं विद बेस्ट रेट और बेस्ट सर्विस के लिए। दोस्तों, डे 1 पर आप निकलेंगे, सबसे पहले आपको पहुंचना होगा श्रीनगर एयरपोर्ट, यहीं से पैकेज स्टार्ट होगा और यहीं पे फिनिश होगा। आप इंडिया इंटरनेशनल में किसी भी कोने से आ रहे हो, सबसे पहले श्रीनगर के एयरपोर्ट के लिए टिकट बुक करवा लीजिए। और कम से कम अगर आपको यात्रा करनी है फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक, तो आपको अभी से अपनी टिकट को फाइनलाइज कर लेना चाहिए, पैकेज को बुक करवा लेना चाहिए और होकर के आना चाहिए धरती के स्वर्ग कश्मीर के अंदर। डे 1 पर आप पहुंचेंगे श्रीनगर एयरपोर्ट। श्रीनगर के एयरपोर्ट पर पहुंच करके आपको सबसे पहले इस टूर का रिप्रेजेंटेटिव ड्राइवर पिकअप करेगा, श्रीनगर के होटल में ड्रॉप करेगा। उसके बाद कुछ समय बाद आप खाने पीने के बाद, फ्रेश होने के बाद आप निकलेंगे श्रीनगर मुगल गार्डन की सैर के लिए, जिसके हिस्से हैं निशत, शालीमार और चश्मा शाही। इन तीनों हिस्से को घूमेंगे। ये जो आपको गार्डन पड़ता है, वो गार्डन आपका पड़ता है ठीक डल लेक के सामने। और इसके बाद वापस आने के बाद आप श्रीनगर में ओवरनाइट स्टे करेंगे अपने होटल के अंदर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डे 2 के बारे में। इस दिन आप जाएंगे कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा जहाँ पे स्नोफॉल पड़ती है, श्रीनगर से सोनमर्ग और वापस आप आएंगे श्रीनगर।
87 किलोमीटर की जर्नी है, 3 घंटे लेती है, सी से अबव है 2800 मीटर के लेवल पर, गोल्डन मिडो के नाम से भी जाना जाता है। ये रिवर सिंध और ब्यूटीफुल माउंटेन ग्लेशियर से घिरा हुआ है। ये सराउंडेड है मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, जैसे थजीवाज ग्लेशियर, जीरो पॉइंट आप जा सकते हैं, वन कैन एंजॉय द पोनी और लोकल यूनियन कैब, डायरेक्ट पेमेंट बेसिस पर आपको जाना होगा। उसके बाद ओवरनाइट इसे रहेगा आपका श्रीनगर के होटल के अंदर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डे 3 के बारे में। इस दिन आप जाएंगे श्रीनगर से गुलमर्ग, ब्रेकफास्ट करिए, ट्रांसफर किया जाएगा गुलमर्ग आपको वाया तंगमर्ग से होते हुए। यहाँ पर आप इंजॉय करिए, रिलैक्स करिए गुलमर्ग के अपने होटल के अंदर। इसे मीडिया ऑफ फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। 56 किलोमीटर है श्रीनगर से, 2690 मीटर है सी लेवल से अबव। इसे हम इंडिया के प्रीमियर स्की रिजॉर्ट, जो विंटर में है, वर्ल्ड का हाईएस्ट गोल्फ कोर्स यहाँ पर आपको घूमने को मिलेगा। जो आपका फेमस है गंडोला केबल का राइड, वो यहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं डायरेक्ट पेमेंट बेसिस पर। और इसकी बुकिंग के लिए आप ट्रैवल कंपनी से संपर्क करिए, आपको गाइड कर दिया जाएगा। नाउ फ्रेंड्स बात कर लेते हैं डे 4 के बारे में। इस दिन आपको जाना है गुलमर्ग से पहलगाम, ब्रेकफास्ट करिए, ट्रांसफर किया जाएगा आपको पहलगाम। पॉपुलर हॉलीडे रिजॉर्ट है, 95 किलोमीटर है श्रीनगर से, 2400 मीटर अबव है सी लेवल से। द टाउन ऑफ पहलगाम, जिसे हम विलेज ऑफ शेफर्ड के नाम से भी जानते हैं, ब्रेड टेकिंग व्यूज, अल्पाइन पीक्स, लीडर और शेषनाग रिवर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। एंट्री पॉइंट फेमस है अमरनाथ केव, अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बेस कैंप मिलेगा और बहुत कुछ है यहाँ पर आपको घूमने के लिए। तो पहलगाम घूमने के बाद आप वहाँ पर ओवरनाइट स्टे करेंगे अपने होटल के अंदर। उसके बाद बात कर लेते हैं डे 5 के बारे में। डे 5 पर आप पहलगाम से वापस आएंगे श्रीनगर और ओवरनाइट स्टे रहेगा आपका हाउस बोट के अंदर। डे 6 पर आपको डिपार्चर कर दिया जाएगा श्रीनगर के एयरपोर्ट पर, ब्रेकफास्ट करिए और निकल जाइए एयरपोर्ट वापस अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑल पोनी राइड और यूनियन कार आपको डायरेक्ट पेमेंट बेसिस पर हायर करनी होगी। इस कॉस्ट में क्या क्या मिलेगा आपको बताता हूँ। एकोमोडेशन मिलेगा, डिनर मिलेगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा। ब्रेकफास्ट आपको नहीं मिलेगा जिस दिन आप पहुँचते हैं। नॉन एसी कार से ट्रांसफर मिलेगा, जो एयरपोर्ट से पिकअप आपको किया जाएगा। 1 घंटे की शिकारा राइड आपको डल लेक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी फर्स्ट डे। उसके बाद आपको ऑल टैक्सेस इंक्लूडेड जो भी इसके अंदर हैं वो आपको बता दिए गए हैं। कश्मीर यदि आप जाते हो तो प्रीपेड नंबर काम नहीं करता है, इसलिए पोस्टपेड नंबर जाइए लेकर के। दोस्तों कश्मीर के टूर से संबंधित ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसको आप रीड कर लीजिए, कहां कहां पर आपका एक्स्ट्रा पेमेंट पे करना पड़ेगा। अगर आप इस टूर पैकेज को बुक कराना चाहते हैं तो वीडियो के टाइटल डिस्क्रिप्शन में ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है, जाइए कॉल करिए, पैकेज को बुक करा करके आइए और होकर के आइए अपने मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन कश्मीर 5 नाइट 6 डेज के लिए। अगर आप 4 नाइट 5 डेज का पैकेज चाहते हैं, 6 नाइट 7 डेज का चाहते हैं या किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन चाहते हैं, डायरेक्ट कंपनी को कॉल करिए और इसको आप बुकअप करा लीजिए। इस पैकेज को बुक कराने के लिए वीडियो के टाइटल डिस्क्रिप्शन में ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है। अगर मुझसे कुछ कमेंट करके पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत, बने रहिए बाइटी भारत पर। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।